तो भाई लोग कैसे हो। तो यार स्वागत है आपका BGMI के टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में। तो गाइस आज हम BGMI के टॉप 5 सेटिंग्स बताने वाले, जिन्हें आप फॉलो करोगे तो आपका गेम हद से ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है और आपका गेम साइज भी इंप्रूव होने वाला है। तो गाइस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो गाइस आज वीडियो को लेकर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आप एक भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिक्स मत कीजिएगा टिप्स एंड टिप्स वाली सेटिंग्स। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टिप की ओर। तो गाइस आपको सेटिंग में आ जाना, उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग में आना। तो गाइस यहाँ पे एक देख सकते हो स्प्रिंट सेंसिटिविटी नाम के हो गए, तो आपका ये बाई डिफॉल्ट कितने भी सेट हो सकता है। मैंने इसको पूरे जीरो पे कर दिया, तो आप देख सकते हो मेरी मूवमेंट कितनी स्लो हो चुकी है गाइस। मेरी मूवमेंट एकदम बोट की जैसे हो गई, मैं एकदम बोट की तरह दौड़ रहा हूँ। तो गाइस ये आपके बाई डिफॉल्ट कितने भी सेट हो सकती है। तो आपको ये जैसे कि मैं आपको ये 50 में करके दिखाने वाला हूँ, बाई डिफॉल्ट मेरी 50 में सेट थी, तो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ 50 पे सेट। तो आ जाना सेटिंग में, तो आपको एडवांस सेटिंग में आ जाना, उसके बाद स्प्रिंट सेंसिटिविटी वहाँ पे दी होगी, तो आपको वहाँ दोबारा आ जाना है। तो आपको बाई डिफॉल्ट कितने पे सेट होगा तो आप वहाँ पे देख लेना। मैं आपको यहाँ मेरा बाई डिफॉल्ट 50 पे सेट था, तो मैं आपको दोबारा 50 पे सेट करके दिखाने वाला हूँ कि मैं यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बाई डिफॉल्ट पे कर लिया, तो मेरी मूवमेंट फिर से पहले जैसी हो गई है। तो आप गाइस आप भी सेट कर लेना, तो आपकी मूवमेंट बहुत, तो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कि आपकी मूवमेंट कितनी फास्ट हो चुकी है। मेरी मूवमेंट पहले से ही बहुत फास्ट हो चुकी है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस मेरी मूवमेंट एकदम पहले जैसी हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइस आपको बाई डिफॉल्ट फिर से सेटिंग में आ जाना, एडवांस सेटिंग में आना, स्प्रिंट सेंसिटिविटी को आपको 100 पे कर लेना, इससे आपकी स्प्रिंट मूवमेंट स्पीड बहुत फास्ट होने वाली गाइस। तो ये थी हमारी फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स BGMI के टॉप 5 सेटिंग्स। तो गाइस आप बढ़ते हैं टॉप दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। तो गाइस बढ़ते हैं अपने टिप 2 की ओर। तो गाइस आपको सेटिंग में जाना है, आपको यहाँ पे दिख रहे हो कैमरा रोटेशन व्हील ABS। तो गाइस अगर आपका ये इनेबल है तो गाइस आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपना जो स्कोप का फिंगर मैं हल्का सा इधर उधर कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा एम खराब हो जा रहा है गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा हाथ हल्का सा हिल रहा है, तो मेरा स्कोप पूरा एम पूरा खराब हो जा रहा है गाइस। तो अगर आप गायरो यूज करो तो आप इसे बंद करके डिसेबल करके रखना, वरना आपका पूरा एम खराब होने वाला है। अगर आप ये कैमरा रोटेशन व्हील ADS तो अगर आप इसे ऑफ करने वाले हो तो आपको क्या आपके बेनिफिट होने वाले हैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो अपना फिंगर कितना भी ला लूँ, मेरा एम हल्का सा भी नहीं हिल रहा, जब तक अपना स्क्रीन नहीं हिलाऊंगा तब तक अपना एम नहीं बिगड़ने वाला गाइस। तो आप ये सेटिंग ऑफ भी रखना अगर आप जैरो यूजर हो, अगर आप जैरो यूजर नहीं हो तो आप इसे ऑन रख सकते हो, आपका ये काम देने वाला है गाइस सेटिंग इन गेम हद से ज़्यादा। तो गाइस बढ़ते हैं अपने टिप 3 की ओर। तो गाइस आपका यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है, स्कोप सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ एडजस्ट में दिख रहा होगा, मेरा सेटिंग यहाँ पे टैप में है, तो आप मैं दिखा देता हूँ इसकी क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या डिसअपॉइंट्स है। तो गाइस इमेजिन करो मेरे सामने से एक गाड़ी जा रही है और मेरे को तुरंत स्कोप चेंज करके उस बंदे को मारना है। तो गाइस मैं अगर मेरा ये टैप में ही रहेगा तो मेरा कन्वर्ट करते करते वो गाड़ी चला जाएगा। अगर मैं इसे होल्ड कर में रखूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद क्या होने वाला है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने सेटिंग में, तो मैं अपना फोकल लाइन होल्ड पे कर देता हूँ। तो गाइस इमेजिन करो मेरे सामने से गाड़ी जा रही है, तो मैं अपना स्कोप में एक बार टैप करूँगा, साइड से एक बार स्क्रॉल करूँगा, तो मेरा 6x 3x में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं अब तुरंत उस गाड़ी को स्प्रे दे सकता हूँ और बंदे गिरा भी सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा आप इधर किसी स्क्रीन के किधर साइड पे भी इधर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका 6x तुरंत 3x में कन्वर्ट होने वाला है सर, आप बंदे इजीली उतार भी दोगे गाड़ी से। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी टिप 4 की ओर। यहाँ पे आपको सेटिंग में आ जाना, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पिक सेटिंग दिखेगी, तो आपको यहाँ देख सकते हो कैमरा रोटेशन व्हील लर्निंग। तो गाइस आपको ये जैरो यूजर्स और नॉन जैरो यूजर के बीच में होने वाली है। तो गाइस अगर आप एक जैरो यूज नहीं करते हो तो आप ये सेटिंग इनेबल रख सकते हो, आपको ये गेम में थोड़ा हेल्प करने वाला स्नैपिंग वगैरह करने में। आपको अगर आप ATX वगैरह यूज़ करते हो तो आपको आपको पिक से एम इधर उधर करने में बहुत हेल्प होने वाली है, वरना आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है अगर आप जैरो यूजर्स हो तो यहाँ पे। तो गाइस मैं आ चुका अपने सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में आपको अपने जैरो पहले ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है बेसिक सेटिंग, उसके बाद पिक सेटिंग में आ जाना, इसको ऑफ कर देना है। तो गाइस आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना आपको दिखाता हूँ आप इसे ऑफ करके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना पिक का सेटिंग इधर उधर कितना भी चलूँ मेरा एम हल्का भी नहीं खेलने वाला, जब तक अपना जैरो स्कोप नहीं हिलाऊँ मैं आपका एम बिल्कुल नहीं हिलने वाला। तो आप जैरो यूजर तो आप इसे बंद रख सकते हो डिसेबल, वरना आपका ये गेम में बहुत दिक्कत देने वाला है। तो गाइस अगर आप एक जैरो यूजर तो आप इस सेटिंग को बिल्कुल ऑफ रखना है, वरना आपका गेम बहुत दिक्कत देने वाला है इसमें।
बढ़ते हैं अपनी टिप 5 की ओर। तो गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग में आ जाना है, एडवांस सेटिंग में आ जाना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है जब तक आप ब्लॉकेड सेंट वार्निंग पे ना आ जाओ तब तक आपको स्क्रॉल करना है। ये सेटिंग आपको इनेबल होगा तो आपको सेटिंग इनेबल होगा। तो अगर आप कोर फाइट अच्छे से नहीं ले पाते तो अभी सेटिंग को ऑन रख वरना डिसेबल रख वरना डिसेबल इस सेटिंग को होगा होने वाला क्या होने वाला क्या अगर आप अपने बैठ जाओ तो आपको क्रोशिया नहीं पता चलने वाला आपकी एमओ भी वेस्ट होने से बचने वाली है अगर आप डिसेबल रखने वाले हो डिसेबल रखने वाले हो आपको यहां पे आगे आ जाना है। यहां पे आप ब्लॉक आ जाना है। यहां पे डिसेबल कर दिया तो गाइस डिसेबल कर दिया तो गाइस देख सकते हो मेरा आप लोग देख सकते हो मेरा बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो रहा है मेरा ब्लॉक नहीं हो रहा है अब इसे आप वॉल्यूम बहुत वेस्ट होने नहीं आती है। तो गाइस यहाँ पे आपकी जो मर्जी जो कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। तो जाते जाते अपने भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी।